गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माई व्लॉग्स। आज अंडे खाते हैं। तीन अंडा बॉईल करने के लिए रखा है और दूध में घी डाल के इसको अभी शेकिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ताकत होते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये ताकत है। इसको पीने से घर ठंडी नहीं लगती है, स्पेशल बीमार लोग पीते हैं और मैं बीमार हूँ तो बनता ही है मेरे लिए। तो हमने सोचा कि आलू खाते हैं, आलू का सब्ज़ी बनाएंगे। फिर मैंने नीचे आए अपने कमरे को सेटिंग करने के लिए, और आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे स्नो हो रही है तो हमें कंबल बहुत ज़्यादा ओढ़ना पड़ता है, रजाई वगैरह, तो इसलिए फोल्ड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे 5-6 कंबल तो ओढ़ना ही पड़ता है, तो सबको फोल्ड करके रख रही हूँ। मैं कमरा का सेटिंग कर रही हूँ, तब तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियोस को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मुझे नहीं आता इतना अच्छा से व्लॉग करना, बट मैं ट्राई करूँ अपनी तरफ से। और जो जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने लाइक्स किया उनको भी बहुत शुक्रिया और जिन्होंने कमेंट्स किया उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार से ही मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी। तो अब मेरे पास बिल्कुल कम रह गए फोल्ड करने के लिए। जैसे कि आपने देखा है अभी मैक्सिमम मैंने फोल्ड कर ही दिया, अभी बस एक या दो पीस मेरा बचा हुआ है तो वो मैं फोल्ड कर देती हूँ अभी। तो गाइस, मैंने कंबल भी फोल्ड कर लिया, अब ये साड़ी रह गया मेरे पास, इसको भी मैं फोल्ड कर देती हूँ फटाफट से। और ये मुझे इतना अच्छा से फोल्ड करना नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी इसको फोल्ड कर देती हूँ। और ये साड़ी है बहुत पुराना साड़ी मेरा, मैंने एक ही बार पहना था, या दो बार पहना था मैंने इसको शादी में। एक बार मेरे मैं ऐसे ही ओकेज़न में पहना था और दूसरे ऐसे शादी में पहना था मैंने, लेकिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत इससे चमक दमक वाले गिरते हैं तो इस वजह से मैं इसको छोड़ दिया, और पुराना भी काफ़ी हो चुकी थी तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया इसको पहनना। तो गाइस, ये भी मैं फटाफट से फोल्ड कर देती हूँ और फोल्ड करके मैं अलमारी में रख देती हूँ। तो गाइस, मैं अलमारी में रख देती हूँ ये चीज़। मेरा अलमारी थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए यह रख दिया मैंने। इसके साथ साथ भी मैंने कल रात ही अपने कमरे में सोया इतने दिन के बाद, और अब मुझे तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है। गीजर हीटर उठा के रख देती हूँ। तो गाइस, आफ्टर ऑल इतने दिन के बाद मैं अपने कमरे में आए, अपने कमरे में सोए तो बहुत ज़्यादा गंदगी थे, तो इसको थोड़ा साफ सफाई करते हैं झाड़ू से रूप मार के। और ये झाड़ू है बहुत अच्छे वाले झाड़ू, मुझे इस नहीं पता यहाँ पे चलते हैं ऐसे झाड़ू का, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये झाड़ू कौन सा प्लांट से बनता है, होता है हर घर, लेकिन क्योंकि पहले मिट्टी का घर यहाँ पे ज्यादा लगता है, इसी झाड़ू से अच्छे से साफ सफाई हुआ करते थे। तो दूसरे वाले झाड़ू से तो वो नहीं करते थे, तो ये लाइट वेट है और अच्छे भी। मिट्टी का लिपि क्या करते थे ना आजकल, तो हम लोग मेट डालते हैं तो पहले लिपि करते थे, तो उसके लिए ये झाड़ू ही सबसे अच्छा। तो गाइस, साफ सफाई करके हो गया मेरे कमरे को, दो दस दिन फूल कर दिया मैंने, क्लीनिंग कर दिया, फ्लोर तो साफ कर दिया, अपने इस तरह से साफ कर कमरा तो अच्छा लग रहा होगा। इतना ज्यादा इतने ज्यादा कंबल ओढ़ना पड़ता है ना गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, यूज करते ये साफ सफाई करके होते। अब मुझे मनाली के लिए निकलना है, क्योंकि मनाली में हमारे कुछ डिस्कशन करने, तो इस वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ेगा और रेडी करना पड़ेगा फटाफट से। तो गाइस, आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ भी मैंने साफ सफाई किया है, तो साफ सफाई हो गया, अब रेडी करती हूँ मैं। गाइस, हम रेडी होके अभी मनाली जाने का तैयारी कर रही है, तो मैं कैसे लग रहा हूँ रेडी होने के बाद, आई होप कि मैं अच्छे लग रहे होंगे। मेरा जैसिका भी मेकअप कर रही है, देखा तो बेटा कैसे मेकअप कर, ओह माय गॉड, पिंकीज बन गई अब तो, कपड़े ऐसे खुल के रखे हुए, तो हम भी तैयार हैं। अब लिपस्टिक लगा के
फुल रेडी हो जाएंगे। जैसिका को भी थोड़ा खग्गी संगी मारेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ ये लिप है। तो जैसिका को भी थोड़ा खग्गी करेंगे, मैं भी थोड़ा खग्गी मार के फिर हम निकलेंगे, फिर मिलते हैं, हम चलते चलते बात करेंगे। हाय दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मनाली। जैसिका भी रेडी हो गए और मम्मा भी रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं अभी मनाली। ऊपर देख, दादी बोल रही है ऊपर, इधर आओ, देखिए दंडू, या आओ दादी इधर, चलो चलो ही दंडू, या 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 मैं धूपा धूप लग रही है वाला आंख में, ये देख कौन आ रहा है, ये बूजी का बेटा जो एक्सपायर नहीं हुआ। हां सूरज देख पुलिस आ रही है सर, उतरो उतरो आस्ते ऐसे चला जी, ये सुनने दो ग्रीट के। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, आप बोलो। तो बर्फ में गाड़ी फंस गए थे तो अभी बैक करके आगे दिखाती हूँ। हाँ, बर्फ का सूप आ रहा है। ये बोल रहा है कि हमने लिपि डाला है, लिपि मीन्स लिपस्टिक डाला है, और हम अभी गाड़ी में बैठे हैं और हम अभी बड़ी स्पीड से जाएंगे। ओ ओ तो गाइस, हमारे गाड़ी बिल्कुल बुरी तरह से फंस गए थे और पीछे से भी धक्का दे रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे निकालने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल से निकल मतलब कर पा रहे थे। एक्सीलेटर जितना भी मारो आगे बढ़ी नहीं रहते, पीछे को ही जा रहे थे, और इस चीज़ में बहुत डेंजर होता है क्योंकि जो धक्का दे रहा होता है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पीछे में गाड़ी फिसल के बैक चला जाएगा तो उनके ऊपर। तो शायद पता नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा आज, गाड़ी पूरी तरह से फंस गई है बर्फ में। फाइनली टफ एरिया से निकल गया, लेकिन अब भी जोर लगा यार, इतनी मतलब इतनी थान हो गई है ना, जम गई इतनी खतरनाक से कि गाड़ी नहीं चल रहा है, अब हमें धक्का लगा लगा के आगे बढ़ना पड़ रहा है। और जरा यार इतनी स्ट्रॉन्ग हो गए, ऐसा पता होता तो जाना ही नहीं था हमने, अब क्या करें, बीच रास्ता में आ गया, जाना तो पड़ेगा यार इतनी मेहनत से। चढ़ने में भी तकलीफ हो रहा है क्योंकि इतने स्लिपरी हो गया, अच्छा ऐसे भी थे अब सूखने मत दो, अभी साफ करो यार, नहीं सूखे थे साहब, ऐसे नहीं थे साहब, चलो हेलो बंद करो, नहीं नहीं तो आता जैसे बंद कर, ठंडा हो, कटिंग लगा और करो कि गाड़ी का रोड आ, मैं इतना बारी था मेरा वजह से नहीं उड़ रहा था। We've come
ना बेटा क्या खाना देर इधर चिप्स वगैरह मिलेगा क्या देखो तो कुछ खाने को मिलेगा क्या आगे जाके मिलेगा थुप्पा मोमो वगैरह नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा होटल है रेस्टोरेंट चलो ठीक है हम आगे जाके खाएंगे क्योंकि जैसे चिप्पिस खाना अपने बेटे यहाँ नहीं मिलते ना हम लोग आगे जाके खाएंगे ठीक है मनाली यहाँ पे हमने मॉल रोड के जस्ट पीछे में पार्किंग कर दी हमने यहाँ पे यहाँ से हम ऊपर जाएंगे जाएंगे इधर से चलो आ जाओ बेबा इसका जैकेट को भी लेके आना चाहिए था हमें ठीक है चल 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 बड़े बड़े मुंबई तो यहाँ से हम जाएंगे ओ वाओ ये एक लेके दो मेरा बच्चा को कितना का है एक तीस रुपया नहीं नहीं अभी लग रहा नहीं कहाँ उड़ तो नहीं रही है आपने क्या करना बोलो मैं हूँ आपकी वेटर बेटे बेटे क्या करे करना है कुछ काम शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम जो जीतेगा उसे मिलेगा इनाम तो गाइस खाना खा के हम निकल गए ये था बिल 940 मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ज़्यादा है ना कम है क्योंकि बहुत दिन के बाद रेस्टोरेंट का खाना खाया तो। ओ वाओ मुझे बहुत लालच आ रहा है सब्जी देख के शॉप ओपन हो गया धीरे धीरे देर ओए जे अभी पार्किंग में जाना है ओए जे अभी पार्किंग में जाना है कुछ शॉपिंग नहीं करना है पर एक बार देखता हूँ मैं 200 रुपये में क्या मिल रहा है पसंद नहीं आया वैसे भी अभी लेट हो रही है Thank you.
बर्फ। गाइस ये होटल में आए हैं हम विज़िट करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा इस होटल में आके। और जीएम से हमारे मीटिंग थे और मैं इस होटल को देख रहे थे चारों तरफ, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी खूबसूरत है। आगे पीछे बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट करके रखे हैं और काफ़ी लग्जरीज भी है। ये पानी लाई और यहाँ ये है होटल और मसरिफ ग्रैंड है इस होटल का नाम। काफ़ी खूबसूरत है और इन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखे हुए। और ये भी आई डोंट नो ये क्या है, कॉटेज है या फिर क्या है, बट मुझे ये बहुत प्यारा लगा, इसका एक क्यूट सा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। एंड देन दिस इज़ द होटल। और तो गाइस पतलीकूल पहुंच गए, चाय पीते हैं, भाई भी आ गए, गाड़ी में बैठ के घर को निकलते हैं और बहुत टाइम हो गया घर के लिए चलते हैं। हाय गाइस, तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ आज के ब्लॉग को। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब हम मनाली से आते आते नशाले में वेडिंग अटेंड किया हमने, उसमें डिनर भी कर लिया। डिनर में क्या था? राइस और मटर पनीर और बहुत सारा चीज़ था, मैंने तो सिर्फ मटर पनीर खाया। इंटरेस्टिंग नहीं था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी खा के उठ जाऊँगा ऐसे सोचा था, क्योंकि मुझे खास पसंद नहीं आता है। तो शादी वाला खाना जैसे स्पेशल फील नहीं करता हूँ मैं, तो एडजस्ट टाइप से खाता हूँ, मैं तो खाना पड़ता है इस टाइप से खाता हूँ। नहीं मुझे नहीं लगता अच्छा, उससे अच्छा भी अपने घर में बनाया वाला अच्छा टेस्टी लगता है। तो वैसे था, उसके बाद हमारे गाड़ी घर तक नहीं पहुंच पाया, तो हम वहाँ से थोड़ा वॉकिंग करके आया। मैंने सैंडल पहना हुआ था तो मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाया, बड़ी मुश्किल से चल के आया था। हाँ ये एंड कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ यूट्यूब में है। तो गाइस मैं एंड करती हूँ, गुड नाइट एवरीवन और सी यू टुमारो। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक्स करना और कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूले, ठीक है? हाँ ना भूले। तो चलो गाइस, गुड नाइट।